राम राम दोस्तों, मैं जब अपने वीर खटिकों के इतिहास की महिमा मंडन करता हूं या उसका वर्णन करता हूं, तो मेरे कुछ मित्र इस चैनल पर आकर मुझसे सवाल पूछते हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूं वो किस पुस्तक में लिखी गई हैं। तो दोस्तों, आज मैं उस पुस्तक, उस राइटर और उस समय के घटनाक्रम के विषय में पूरी तरह से आपको बताऊँगा। और इस पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आप समझ सकेंगे कि आपका दोहन हनन किस प्रकार इतिहास में किया गया है और उस हनन और दोहन के पीछे वास्तव में कौन सी शक्तियां लगी रही। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टेनले राइस द्वारा लिखी हुई पुस्तक द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। स्टेनले राइस ने भारत की जातियों पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ट्राइब्स ऑफ इंडिया और उन्होंने ये लिखा है। ये उस समय के राइटर हैं जब यहाँ पर मुगल काल चल रहा था, जब यहाँ पर मुगलिया सल्तनत दिल्ली में काबिज थी। तो स्टेनले राइस ने बहुत ही क्लियर लिखा है कि जब हिंदुस्तान की जातियों पर धर्म परिवर्तन का आक्षेपण होना शुरू हो गया और यहाँ पर अत्याचार होने लगे, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाने लगा, तो मंदिरों के आसपास रहने वाले खटीक, जो ब्राह्मणों के बहुत ही करीबी माने जाते थे, उनके घरेलू संबंध इनसे हुआ करते थे, उन्होंने सुअर का पशुपालन करना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ विशेष जाति अपने पशुओं में भी छोटा और बड़ा खोज लेते हैं, पूजनीय और निंदनीय खोज लेते हैं, रंगों में भी ये सब खोज लेते हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति हमको ये नहीं सिखाती और हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम चींटी की भी पूजा कर लेते हैं, हम पत्थर की भी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रकृति की पूजक हैं और हम मानते हैं कि ये पूरी सृष्टि एक नियंता के द्वारा रचित है और हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसको हम रहने दें और किसको मार दें। तो दोस्तों, आपको स्टेनले राइस की वो पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए और उसने लिखा है कि 1000 ईस्वी तक भारत में जिनको अछूत या शूद्र माना जाता था, उनका जनसंख्या घनत्व सिर्फ 1% रह गया। सिर्फ 1% उस समय ऐसे लोग थे जिनको दलित, पिछड़ा या जो भी शब्द आप, बहुजन, जो शब्द देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज 1 था। क्योंकि हमारा धर्म कर्मकांड पर डिपेंड है, जैसा हम कर्म करेंगे हम उसी जाति के हो जाएंगे। जैसे आज आप देखें, अगर आप IAS करेंगे तो आप DM हो जाएंगे, अगर आप PCS करेंगे तो आप SDM या फिर सचिवालय में पोस्ट हो जाएंगे। सेम जैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था, जैसा हमारा व्यवहार, उसी तरह हमें समाज उस समय देखता था, ये हमारी परंपरा थी। लेकिन क्योंकि जब संविधान बदले, जब जैसे सिकंदर लोधी का कार्यकाल आया, फिर मुगल काल आया, संविधान बदल गए, तो संविधान जब बदल जाए, अभी संविधान बदल दिया जाए कि IAS वाला व्यक्ति जो है वो जाएगा चपरासी का नौकरी करेगा, IAS शब्द को ही चेंज कर दिया जाए, उसका मायने ही बदल दिया जाए, तो वो जाके कुछ अलग काम करेगा, उसको अलग नाम दे दिया जाए। इसी प्रकार जब संविधान बदले, जब राजा बदले, तो सब कुछ चेंज कर दिया गया, वो सारी पद्धतियों को बदल दिया गया। तो स्टेनले राइस ने बहुत क्लियर मेंशन किया कि 1% लोग पाए जाते थे और यदि आप आज नजर डालें तो भारत में 25% जनसंख्या को बहुजन बताया जाता है या पिछड़ी या निम्न वर्ग का लोग बताया जाता है। ये सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि हमको तोड़कर बहुत आसानी से सत्ता पर काबिज रहा जाए, सिर्फ राजनीति के लिए, जबकि असली इतिहास को हमें इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि हम अपने मूल से संबंधित ना हो जाए। तो दोस्तों, स्टेनले राइस ने भी उस समय लिखा कि मुगल काल के आक्रांताओं से बचने के लिए जो लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया, वो भी सुअर का, ताकि मुगल वहां पर ना आए क्योंकि ये उसको अछूत मानते थे, और अपने परिवार की रक्षा खटीक जाति के लोग कर सकें, जिस पर बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक कोर्ट केस करके इस चीज को प्रूव करने की कोशिश भी की, पटिशन भी दायर करी। तो जिन लोगों का ये सवाल था कि मैं किस पुस्तक से ये बताता हूँ, तो आप जानें कि उस समय के राइटर्स जो उस समय भारत में आए, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने लिखा, तो उस समय के लोगों ने ये लिखा है। तो इस इतिहास को आप ना भूलिए और आप जानिए कि आप मंदिरों के आसपास रहने वाले लोग हैं, आप पूजा पाठ में बहुत लिप्त रहते थे, इस प्रकार की आपकी आपका इतिहास है। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया कि हम शायद पिछड़े थे, हम जंगलों में रहते थे, हम आदिवासी थे, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे सुसंस्कृत, सुसभ्यता वाला राष्ट्र अगर कोई था जिसको राष्ट्र कहा जा सकता था, वो सिर्फ भारत था। ये शब्द राष्ट्र भी बहुत पुराना है, नेशन, कंट्री, ये सब बहुत नए शब्द हैं, इनकी जन्म 1000 साल 500 साल पहले के वर्ड। तो आप इस चीज़ को समझें कि और पूरी दुनिया जंगलों में रहती थी, कपड़े नहीं थे उनके पास, वस्त्र नहीं थे, वो समझते नहीं थे, उनके पास कोई परंपरा नहीं थी,
वो सिर्फ ऐसे ही जंगलों की तरह जंगली जानवरों की तरह घूमते रहते थे। आप 1,000-1,500 साल पहले आप यूरोप की तस्वीरें निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बिल्डिंग थी उनके पास। जब हमारे यहाँ खुदाई होती है तो लोग उसको रिसर्च करने आते हैं, क्योंकि हम पहले से संस्कृति सभ्यता इन सब शब्दों से परिचित थे। तो हमें अपने मूल से अलग करने के लिए बहुत सारे प्रोपोगंडा चलाए गए समाज में। उस प्रोपोगंडा में आप न पढ़ें और आप समझें कि आपका असली इतिहास क्या है। जब आप अपने मूल से जुड़े होंगे तो आप सबसे शक्तिशाली होंगे। तो इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।